नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडिया और मैं आपके साथ हितेश गोस्वामी। अभी हम बात करने जा रहे हैं रीट परीक्षा के बारे में। जैसा कि रीट का जो मामला है वो हाई कोर्ट तक पहुंच गया था, तो ऐसे में आज याचिका को लेकर हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है। इसके साथ ही रीट लेवल वन में जो बीएसटीसी वाले छात्र चाहते हैं कि बीएड वाले छात्र रीट लेवल वन के लिए एलिजिबल ना हो, इसको लेकर क्या अपडेट है, हम बात करेंगे इस वीडियो में। रीट को लेकर जो भी आज दिन भर बड़ी खबरें हमारे सामने आई है उनके बारे में, तो ऐसे में आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने एजुकेशन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है और आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि जो रीट लेवल वन के लिए सरकार ने बीएड वाले छात्रों को भी एलिजिबल रखा है वो सही है या फिर गलत, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आपको सभी बड़ी खबरें बताते हैं रीट को लेकर जो आज हमारे सामने आ रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो आज हाईकोर्ट द्वारा जो याचिका खारिज की गई है, इस याचिका में क्या लिखा गया था और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि याचिका को खारिज क्यों किया गया और बोर्ड की ओर से क्या जो बड़ा बयान दिया गया, उसके बाद याचिका को खारिज कर दिया गया। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि याचिका में क्या कहा गया, तो याचिका में कहा गया था कि भर्ती परीक्षा के पूर्व ही अनधिकृत लोगों के पास पेपर आ गया था, वहीं कई परीक्षा केंद्रों पर दिए गए पेपर की सील खुली हुई थी और बुक नंबर भी मार्कर से बदले हुए थे। पेपर लीक होने से परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। याचिका में कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सीसीटीवी लगाए थे, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इंटरनेट पर रोक के चलते इन कैमरों का उपयोग नहीं हो सका। तो इस प्रकार से ये जो याचिका थी इसमें लिखा गया था और कहा गया था कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और परीक्षा परिणाम को फिलहाल रोका जाए, इस प्रकार का बयान आया था और पहले सीबीआई जांच करवाई जाए, इस प्रकार से इस याचिका में लिखा गया था। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा कि हाईकोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका को सिंगल बेंच में डाला जाए, ना कि यहाँ पर जनहित याचिका दायर की जाए, इस प्रकार से हाईकोर्ट का बयान सामने आया। वहीं अगर हम बात कर ले कि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता खुद भर्ती में शामिल हुआ था, ऐसे में यदि उसे कोई आपत्ति होती है तो वह एकल पीठ के समक्ष जा सकता है, इसलिए मामला पीआईएल का नहीं बनने के कारण इस जनहित याचिका को बिल्कुल खारिज कर दिया गया। इस प्रकार से पहली बड़ी खबर थी जो कि हर एक रीट के विद्यार्थी को जाननी जरूरी थी। आइए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। वहीं आज भी बीएसटीसी के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनकी मांग है कि बीएड डिग्री धारक रीट लेवल वन के लिए पात्र ना हो, इस प्रकार से उनकी मांग जो कि लगातार वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है। हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे और इसको लेकर जो भी बड़ा फैसला आएगा आपको सबसे पहले देखना है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। इस प्रकार से आज की दो बड़ी खबरें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एजुकेशन इंडिया के साथ। धन्यवाद।